नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा जियो टीवी को कैसे आप अपना लैपटॉप या पीसी में इजीली प्ले कर सकते हो। दोस्तों जैसे बता दूं, जियो टीवी एप्लीकेशन हम लोग जैसे मोबाइल पे यूज करते हैं एंड लाइव टीवी, लाइव स्पोर्ट्स, लाइव न्यूज सभी जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जियो टीवी को जो है लैपटॉप या पीसी में प्ले करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आज का जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे जो आप इजीली जियो टीवी को इंस्टॉल करके आप पीसी या लैपटॉप में प्ले कर सकते हो, यानी कि लाइव टीवी, लाइव न्यूज, लाइव स्पोर्ट्स एंड बाकी जितना भी लाइव मूवी सभी आप देख सकते हो। कैसे जियो टीवी को प्ले करें लैपटॉप या पीसी में, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। एंड गाइस, यहां पे बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखिए, ऐसे तो बहुत सारा मेथड है जियो टीवी को ओपन करने के लिए, बट आपको जो मैं बताऊंगा सबसे यूनिक एंड सबसे इजीएस्ट तरीका जो आप इजीली आपका लैपटॉप या पीसी में जियो टीवी को प्ले कर सकते हो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जियो टीवी आपको इंस्टॉल करने के लिए पीसी या लैपटॉप में आपको जो है गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है bognox.com एंड यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को। देखिए मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, तो आपको जो है NOX प्लेयर को इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट में जाके। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, 7.0.0.9 वर्जन है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको दिखा दूं, आपका जो ड्राइव में सेव हो जाएगा। एंड जैसे ड्राइव में सेव करो गाइस, देखिए इस टाइप का आपके पास NOX प्लेयर आ जाएगा। एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है या तो फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड जो कुछ सेकंड टाइम लेगा आपको इंस्टॉल होने में, सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है। 100% कंप्लीट होने के बाद आप जो NOX प्लेयर को ओपन कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि एंड्रॉयड स्टार्टिंग, तो यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लेगा प्रोसेस होने में। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है नेट कनेक्शन होना चाहिए आपका लैपटॉप या पीसी में। अब गाइस बता दूं, यहाँ पे जैसे आप जियो टीवी देख पा रहे हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ इसको, तो आपको जो जियो टीवी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो क्या करना है आपको, सिंपल देखिए यहाँ पे ऐप सेंटर मिल रहा है तीसरा नंबर पे, ब्राउजर टूल्स ऐप सेंटर, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड ऐप सेंटर पे क्लिक करने के बाद आप देखिए गाइस, यहाँ पे जो है ऐप सेंटर में आपको लेके चला जाएगा NOX प्लेयर का। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैं ईमेल आईडी देके लॉगिन करके रखा हूँ, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी देके आपको लॉगिन कर लेना है, पासवर्ड देके जो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी पे चले जाना है। कैटेगरी में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे चले जाना है एंड आपको यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन के नीचे एंटरटेनमेंट ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। एंड नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे जियो टीवी लाइव क्रिकेट ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको जो है जियो टीवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में लेके जा रहा है, यानी कि प्ले स्टोर में लेके जा रहा है। देखिए जैसे आपको प्ले स्टोर ओपन होकर जियो टीवी ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है इसलिए ओपन ऑप्शन आ रहा है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट यहां से भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप बैक जाके यहां पे जो NOX प्लेयर का मेन होम पेज है वहां पे आपको जैसे इंस्टॉल करोगे जियो टीवी आपको दिखाई देगा, उसमें से भी आप जो है जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो यहां पे मेन पेज है NOX प्लेयर का, तो इसमें से भी आप जियो टीवी को प्ले कर सकते हो। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे क्लिक करोगे गाइस यहां पे देखिए आपको जो है जियो टीवी ओपन हो जाएगा। तो अभी दिखा रहा है कि प्लीज वेट, तो जियो टीवी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करने के लिए बोलना है। अब देखिए जैसे जियो टीवी ओपन होगा तो आपको यहाँ पे जियो नंबर देके जियो नंबर या तो फिर जियो आईडी अगर आप क्रिएट करके रखो उसको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए जियो नंबर आपको डाल देना है, तो जियो नंबर आपको जो मोबाइल में लगा हुआ उसको डाल देना है या किसी का जियो नंबर डाल देना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक 6 डिजिट का OTP आएगा, जो OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए यहाँ पे मैं 6 डिजिट का OTP डाल दिया एंड सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो आप रिसेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्लीज वेट बता रहा है अगेन एंड आपको जो यहाँ पे जियो टीवी लोड हो रहा है दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लेगा एंड आपके पास जो जियो टीवी बिल्कुल लाइव ओपन हो जाएगा। एंड जैसे आप देख पा रहे हो एंड आप चाहे तो इसको कम ज्यादा कर सकते हो एंड आप बाद में भी इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन ऑन करने के बाद।
अदरवाइज आप ऐसे ही देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप जो लाइव गेम या तो फिर मूवी चल रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम आप जैसे मोबाइल पे यूज करते हो इसको आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो है कॉपीराइट आ जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, एंड अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।